प्यारे बच्चों, पिंकी की नादानियाँ और समझदारियों में से हिस्सा दोम से कहानियों का सिलसिला जारी है। तो चलते हैं आज हम अपनी नई कहानी की तरफ, जिसका उन्वान है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दानाई। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमने हदीस सही बुखारी से ली है। पिंकी जब भेड़िए की तस्वीर को देखती है तो वो सोचती है कि इस भेड़िए का इस कहानी से क्या ताल्लुक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो औरतें थीं, हर एक के पास एक लड़का था। भेड़िया आया, एक का बच्चा उठा के ले गया। इसके साथ वाली कहने लगी, तेरा बच्चा तो भेड़िया ले गया है, ये मेरा बच्चा है। बड़ी औरत ने छोटी का बच्चा छीन लिया। अब दोनों ने हज़रत दाऊद से फरियाद की। उन्होंने बड़ी औरत को बच्चा दिला दिया, क्योंकि इसी के कब्ज़े में था और दूसरी औरत कोई गवाह ना ला सकी। फिर दोनों हज़रत सुलेमान के पास गईं, इनसे बयान किया। उन्होंने कहा, छुरी लाओ, मैं इस बच्चे के आधे आधे दो टुकड़े करके दोनों को दे देता हूँ। तो बच्चों, पिंकी ये पढ़कर फ़ौरन से बोली, हाय, हज़रत सुलेमान ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो छोटी औरत, जो बच्चे की असल माँ थी, वो बोल पड़ी, अल्लाह तुम पर रहम करे, ऐसा ना करो, वो इसी का यानी बड़ी औरत का बच्चा है। और बड़ी औरत खामोश रही। हज़रत सुलेमान ने वो बच्चा छोटी औरत को दिला दिया। वो पहचान गए, यही बच्चे की असल माँ है और दूसरी झूठी है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में दो अफराद का जिक्र है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपको पता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और दोनों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हिकमत से नवाजा था। ओह, सच याद आया। प्यारे बच्चों, कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि दरअसल हज़रत सुलेमान समझ गए थे कि छोटी औरत चाहती है कि बच्चा बेशक इसके पास ना रहे लेकिन ज़िंदा रहे, और बड़ी औरत इस बात पर खामोश रही थी। पिंकी, अच्छा तो ये माजरा था। मैं भी सोच रही थी कि हज़रत सुलेमान ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ हाय, कैसी चालाक औरत थी। बजाय इसके कि अपना बच्चा भेड़िए से छुड़ाने की कोशिश करती, दूसरी औरत के बच्चे पर अपना कब्जा जमा कर बैठ गई। ऐसा भी होता है, कोई शोर मचाती, डंडा लेकर भेड़िए के पीछे भागती, लोग भी इसको चिल्लाता देखकर इसकी मदद कर देते। लेकिन चलो, हज़रत सुलेमान की अकलमंदी की वजह से बच्चा इसकी माँ को मिल गया। तो ये थी जनाब सारी कहानी। चलो बच्चों, उम्मीद है अब आपको भी सारी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अब नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।